Bailey method. Or reducing installment method. Reducing installment method. Reducing installment method. अब इसका क्या मतलब है जी? अंडर दिस मेथड, अंडर दिस मेथड द एसेट इज डिप्रिसिएटेड एट द एसेट इज डिप्रिसिएटेड एट फिक्स्ड a fixed percentage on the fixed percentage on the asset. A fixed percentage which is diminished, which is diminished year after year on account of depreciation. And what is the formula? So the formula is cost of machine or cost of asset into percentage ये आपके साथ क्या है जी? एक शॉर्ट डेफिनेशन है इसका. ये बेटा जो परसेंटेज हो मसलन 10% होगा तो 10 और डिवाइड बाय 100. ठीक है बेटा. अच्छा जी, अब एक सवाल लिखते हैं. मैं आपको समझाता हूँ बेटा किस तरह आपने इसको करना है. सवाल लिखते हैं तो आपके सामने क्वेश्चन होगा और उसको फिर हम सॉल्व करेंगे. सो ऑन फर्स्ट जनवरी क्वेश्चन है, ऑन फर्स्ट जनवरी 1994. For example, A, B, C company. A, B, C company purchased purchased
plant bomb. A plant and machinery costing rupees, costing rupees 25,000. Costing rupees 25,000. It has been decided. It has been decided to depreciate it at the rate of 20%. Per annum. Per annum. On the declining balance method. On the diminishing, yeah, declining balance method. इस method के जरिए आपने इसको करना है. Required क्या है? मालूम क्या करना है हमने? Required show depreciation for the first 3 years. ये कॉलम आपके पास डेट आ जाएगा, सेकंड पर्टिकुलर और थर्ड ये अमाउंट है. 99 ड्रा करेंगे ताकि डेबिट और क्रेडिट आपस में फर्क हो सके. ये है कि आपके साथ डेट का कॉलम, ये है पार्टिकुलर्स, ये है रुपीस, इसी तरह ये है डेट का कॉलम, ये है पार्टिकुलर्स और ये है आपके साथ रुपीस या अमाउंट. ये हमारे साथ है डेबिट साइड और ये हमारे साथ है क्रेडिट साइड. ठीक है जी. अच्छा, अब जरा बोल से देखें.
डिप्रिसिएशन में ये दूसरा जो मेथड है हम पढ़ रहे हैं, इससे पहले हमने कौन सा पढ़ा, स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है जी। अब डिमिनिशिंग या डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड हमारे पास दूसरा तरीका है डिप्रिसिएशन मालूम करने के लिए। इट इज आल्सो कॉल्ड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड और रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। यानी जो डिमिनिशिंग या डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड है इसको हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी कहते हैं और इसको हम रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं। अब इसको हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, ये क्या होता है? अंडर दिस मेथड द एसेट इज डिप्रिसिएटेड एट फिक्स्ड परसेंटेज व्हिच इज डिमिनिश्ड ईयर आफ्टर ईयर ऑन अकाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन ऑफ द एसेट, ठीक है बेटा। तो ये वो तरीका है जिसमें हम क्या करते हैं जी, एक फिक्स्ड रेट हमें दिया गया होता है 10%, 5%, 8% या फॉर एग्जांपल 20%, 30% जो भी है। तो एक फिक्स्ड रेट हमें देकर फिर हम उस पर जो एसेट है उस पर हम डिप्रिसिएशन मालूम कर लेते हैं, और डिप्रिसिएशन मालूम करने के बाद जब नेक्स्ट ईयर के लिए डिप्रिसिएशन मालूम करेंगे तो हमने जो पहला डिप्रिसिएशन मालूम किया था वो एसेट के वैल्यू या प्राइस से माइनस कर देंगे, और जो माइनस शुदा एसेट की कीमत होगी उस पर दोबारा हम परसेंटेज लागू करेंगे और एक नया डिप्रिसिएशन जो है वो निकालेंगे। मिसाल के तौर पर देखें, यहां पर हमने मशीनरी खरीदी, ये हमने प्लांट में मशीनरी खरीदी 25,000 रुपए में का जनवरी 1994 में। तो यहां पर आपके पास जनवरी 1994 हमने कैश पर मशीन खरीदी, कितना कैश है जी, 25,000। आप जरा कैलकुलेट मोबाइल वगैरह हो वो साथ में रखें ताकि कैलकुलेशन इजी हो, पहले इजी भी है लेकिन फिर भी आप लोगों ने ख्याल रखना है। हमने 3 सालों के लिए डिप्रिसिएशन मालूम कर लिया, कितने सालों के लिए, 3 सालों के लिए। तो हमने 25,000 रुपए में प्लांट एंड मशीनरी जनवरी 1994 को खरीदा। अब यहां पर हमने 2 लिखा है तो ब्रिटिश अकाउंटिंग में हम 2 लिखते हैं इस साइड पर, डेबिट साइड पर, और जो भी आप यहां पर लिखते हैं उसके लिए बाय लिखते हैं, बी बाय, ठीक है जी। लेकिन ये मैंने सिर्फ आपको जरा दिखाया कि आप ये भी लिख सकते हैं, वरना आप सिर्फ कैश लिखिए और वहां पर भी बाय ना लिख के डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अमेरिकन जो अकाउंटिंग है उसके पर हम ये नहीं लिखते। तो 2 कैश ये। अब जरा आप गौर से देखें, 25,000 रुपए की मशीनरी है और 25,000 रुपए की मशीनरी पर हम डिप्रिसिएशन लगाएंगे कितना, 20%, कितना जी, 20%। तो यहाँ पर मैंने आपको जो फार्मूला लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ एसेट और इनटू परसेंटेज, तो क्या मतलब होगा इसका, इसका मतलब है कि 25,000 रुपए में आपने जो एसेट खरीदा हुआ है उस पर 20% आपने पर डिप्रिसिएशन लागू करना है। तो 0 इसके साथ कट जाएगा, ये 0 इसके साथ कट जाएगा, और ये कितना बन जाएगा, 25 गुना 50 यानी 5,000 आपके साथ क्या होगा, पहले साल का डिप्रिसिएशन होगा दिसंबर 1994। समझ आ गया, हमने परसेंटेज सिंपल निकाला ना, जितना परसेंट इसका आता है वो हमारे पास डिप्रिसिएशन है। तो यहां पर आप लिखेंगे दिसंबर 1994 बाय डिप्रिसिएशन, बाय क्या, डिप्रिसिएशन, और ये कितना है, ये 5,000 है, कितना है 5,000। तो ये अब आप इसको जमा कर लें, 25,000 ये हमारे साथ आ जाएगा, 25,000 आप इस साइड पर लिख लें, बैलेंस कितना आ जाएगा आपके साथ, 20,000, कितना 20,000 आपके साथ क्या है, बाय बैलेंस, साथ में क्या लिखेंगे, सीडी कैरी डाउन, नीचे लाएंगे इसको कैरी डाउन। तो यहां पर आपके पास फिर ये साल खत्म हो गया 1994, तो कौन सा साल शुरू होगा,
यहां पर आप लिख देंगे जनवरी 1995। तो जो ऊपर आपने बैलेंस लिखा हुआ है 20,000, उसको आप यहां पर लिख लेंगे टू। बैलेंस क्या लिखेंगे सर? ब्रॉट डाउन कितना है? 20,000। कितना है जी? 20,000। अब जनवरी 1995 भी गुजर गया, दिसंबर क्या है? दिसंबर 1995, एक साल गुजर जाने के बाद हम क्या मालूम करते हैं? डिप्रिसिएशन मालूम करते हैं। और यहां पर हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पर हम ये मालूम करेंगे। तो आप जरा यहां पर देखें, जब स्ट्रेट लाइन मेथड हम पढ़ रहे थे, बिल्कुल देख बेटा, जब स्ट्रेट लाइन मेथड हम पढ़ रहे थे तो हमने उसमें कहा कि आप पहले साल क्या करें? डिप्रिसिएशन मालूम करें। फिर नेक्स्ट साल, नेक्स्ट ईयर आप उसी डिप्रिसिएशन जो पहले साल आपने मालूम किया था वही आप मुसलसल नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे? माइनस करते जाएंगे। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में ये नहीं है। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में क्या है? आपने जब पहली दफा ये मालूम कर लिया तो नेक्स्ट ईयर के लिए 20,000 रुपए का मशीन जो आपके साथ बाकी रह गया है 20,000, तो अब आपने 20,000 पर 20% जो है वो क्या करना है? डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। कितना? 20%। मेरी बात समझ आ रही है आपको? देखिए वो 5,000 तो हमने निकाल लिए, तो अगर ये स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो 20,000 में से ये दोबारा 5,000 माइनस करते, वहां पर 5,000 डिप्रिसिएशन लिखते और फिर बैलेंस 15,000 होता। लेकिन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में आपने जिस रेट पर डिप्रिसिएशन लगाया हुआ है नेक्स्ट ईयर डिप्रिसिएशन माइनस करके जो अमाउंट बाकी बच जाता है एसेट का, उस पर दोबारा आपने वो फिक्स जो रेट है उससे डिप्रिसिएशन आपने कैलकुलेट करना है। देखिए जिस तरह हमने यहां पर लिखा हुआ है, अंडर दिस मेथड द एसेट इज डिप्रिसिएटेड एट फिक्स्ड परसेंटेज व्हिच इज डिमिनिश्ड ईयर आफ्टर ईयर। हर साल वो क्या होता है? कम होता जाता है। तो क्या बन जाएगा आपके साथ? क्या बन जाएगा? देखें ये 2 2 4, तो कितना? 4,000। इस साल का जो डिप्रिसिएशन होगा वो कितना होगा? वो 4,000 होगा। तो यहां पर आप एक नया डिप्रिसिएशन कितना होगा भाई? 4,000। सही है जी। अब इसको जमा कर लें, टोटल कर लें, तो यहां पर आपके साथ ये 20,000, ये भी आपके पास 20,000, 20 में से 4,000 चले जाए तो फिर 16,000 आपके साथ बाकी रह जाएगा। तो यहां पर आप लिख लें बैलेंस, बैलेंस क्या? सीडी क्रेडिट डाउन। ठीक है बेटा, अब आ जाए यहां पर जनवरी 1990, जनवरी 1996 नया साल शुरू हो जाएगा। तो यहां पर आपके पास 16,000 रुपए की मशीनरी जो है या प्लांट में मशीनरी जो है इसकी वैल्यू बच गई है, बाकी डिप्रिसिएट हो गया। तो जब 1996 भी गुजर जाए और यहां पर दिसंबर 1996 के लिए आप डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, तो अब आपने क्या करना है? डिप्रिसिएशन 20% हम किस पर लगाएंगे? 16,000। समझ आ गया आपको? अभी ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। तो यहां पर 16,000 × 20%, तो ये 16 × 20 = 3,200। कितना? 3,200 1996 के लिए क्या होगा? डिप्रिसिएशन होगा 3,200। अब इसको भी जमा कर लें और क्लोज कर लें, क्योंकि हमसे 3 सालों के लिए डिप्रिसिएशन इन्होंने मांगा। ये 16,000 में से ये चला जाए तो कितना?
12,800, ये आपके साथ क्या हो जाएगा, आपकी वैल्यू हो जाएगी बाय बैलेंस सी डी। ठीक है बेटा, और ये तो आप बैलेंस टू बैलेंस बी डी, तो ये आपके साथ डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। इज इट क्लियर? यस। कोई मसला तो नहीं है बेटा?